नमस्कार, ये रहा सवाल। देख लीजिए, एक धूर, पांच धूर, सेवन धूर, इलेवन धूर और 25 धूर में कितना लंबाई चौड़ाई का प्लाट होता है। इस तरह से सवाल है, कई सवाल है, तो देख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए हल, यहाँ से हम लोग इसका लंबाई चौड़ाई जानेंगे। तो यहाँ लग्गी, लग्गी भी देख लीजिए, लग्गी बराबर 5.5 हाथ और एक लग्गी से जानेंगे, लग्गी बराबर 4 हाथ। ये 5.5 हाथ में कितना वर्ग फुट होता है एक धूर में से जानेंगे, और 4 हाथ का लग्गी से कितना बड़ा प्लाट होता है एक धूर इसे जानेंगे। तो सबसे पहले पहला धूर निकालेंगे इस 5.5 हाथ के लग्गी से। देख लीजिए, ये 5.5 हाथ का लग्गी है, ये देख लीजिए, ये 5.5 हाथ का लग्गी है, इससे हम लोग निकालेंगे। तो 1 हाथ बराबर लिख लीजिए, 1 हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। तो 5.5 हाथ हैं, इससे 1.5 गुणा कर दीजिए तो बराबर 8.25 फुट होगा। इतना का आपका लग्गी होता है, 8.25 फुट लंबाई का। अब देख लीजिए, एक धूप, धूर का मान निकालने के लिए बताया गया है। धूर का मान निकालने के लिए लग्गी वर्ग हो जाता है, यानी कि 8.25 का वर्ग। तो एक धूर बराबर 8.25 का वर्ग कर दीजिए तो इसके बराबर होता है 68.0625 वर्ग फुट होता है इतना। तो अब देख लीजिए, एक धूर का प्लाट कितना बड़ा होगा, ये देख लीजिए, एक धूर का प्लाट ये देखिए इतना बड़ा होगा, 8.25 फुट, 8.25 फुट लंबाई होगा और 8.25 फुट चौड़ाई होगा। इस तरह से ये देखिए, एक धूर का प्लॉट है, एक धूर, वन धूर का प्लॉट है। अब हमें कितना का निकालना है, 5 धूर का। लिख लीजिए 5 धूर, 5 धूर बराबर 5 × 68.0625 गुणा कर लीजिए इसे, 340.31 वर्ग फुट हो गए, वर्ग फुट होगा। ये देखिए इतना वर्ग फुट होगा। इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, ये देखिए इसका लंबाई चौड़ाई आप निकालना चाहेंगे तो ये देखिए 22.68 फुट लंबाई का होगा, इतना लंबाई का होगा। और ये भी जो है 15 फुट लंबाई का होगा। ये देखिए ये कितना है, ये 5 धूर का प्लॉट है। ये रहा 5 धूर का प्लाट। और अब हम जानेंगे 7 धूर का प्लॉट। लिख लीजिए 7 धूर बराबर, 7 धूर बराबर लिख लीजिए, 7 × 68.0625 गुणा कर दीजिए इसे। 7 धूर का प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए 476.43 स्क्वायर फुट होगा, वर्ग फुट। इसका प्लाट देख लीजिए,
कितना लंबाई चौड़ाई इसका पूछेंगे, 7 ध्रुव का प्लॉट है ये, 7 ध्रुव लिख लीजिए, 7 ध्रुव। यदि इसका लंबाई 23 फुट लेते हैं तो चौड़ाई इसका 20.71 फुट ही होगा, ये रहा। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और 11 ध्रुव प्लॉट का देख लीजिए, लिख लीजिए 11 ध्रुव। 11 ध्रुव बराबर 11 × 68.0625, तो ये बराबर होगा 748 वर्ग फुट होगा, इतना। तो इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, ये देखिए इस प्लॉट का लंबाई चौड़ाई 30 फुट, ये देखिए इसका लंबाई 30 फुट लंबाई लेंगे तो चौड़ाई होगा 24.9 फुट का होगा। ये कितने का है, 11 ध्रुव का प्लॉट है। इस तरफ से आसानी से जान सकते हैं। और अगला सवाल का देख लीजिए, 25 ध्रुव का बराबर 25 × 68.0625 कर दीजिए, ये बराबर होगा 1701.56 वर्ग फुट, वर्ग फुट का प्लॉट होगा इतना। और कितना बड़ा होगा देख लीजिए, ये देखिए सवाल आएगा कि इसका लंबाई चौड़ाई निकालिए, तो देख लीजिए इसका लंबाई चौड़ाई, ये 25 ध्रुव का प्लॉट है, 42 फुट इसका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा ये 40.5 फुट का। इस प्रकार से कितना है, 25 ध्रुव, ये 25 ध्रुव का प्लॉट है ये। इस तरह से लंबाई चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। और 4 हाथ के लग्गी से देख लीजिए, दूसरा यहाँ पर लग्गी, लग्गी बराबर 4 हाथ, फुट में कितना होगा, इसके बराबर 4 × 1.5 बराबर 6 फुट लंबाई का लग्गी होगा, ठीक 6 फुट लंबाई का लग्गी होगा। तो 1 ध्रुव बराबर यहाँ पर 1 ध्रुव, 1 ध्रुव बराबर लग्गी वर्ग यानी कि 6 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर 36 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट 36 वर्ग फुट। इसका प्लाट देख लीजिए, 6 फुट लंबाई 6 फुट चौड़ाई होगा, इतना होगा। 1 ध्रुव का प्लाट यहाँ पर छोटा है, लग्गी भी जो है इसका लंबाई कम है। तो अब 5 ध्रुव का देख लीजिए, 5 × 36 कर दीजिए तो बराबर होगा 180 वर्ग फुट, स्क्वायर FT लिख लीजिए, इसका लंबाई चौड़ाई भी देख लीजिए, ये देखिए 15 फुट लंबाई लेते हैं तो 12 फुट चौड़ाई होगा, ये 5 ध्रुव का प्लॉट है ये 5 ध्रुव इस प्रकार से। और 7 ध्रुव का 7 × 36 बराबर होगा 252 स्क्वायर फुट, ठीक। और इसका लंबाई चौड़ाई ये 7 ध्रुव का देख लीजिए, यहाँ पर ये 7 ध्रुव, इसका लंबाई चौड़ाई 7 ध्रुव का होगा 18 फुट, यदि इसका लंबाई लेंगे तो 14 फुट चौड़ाई होगा, ये 7 ध्रुव का प्लॉट है ये। और 11 ध्रुव
का निकाल लीजिएगा डायरेक्ट 25 धूर का देख लीजिए, 25 × 36 इक्वल टू 900 वर्ग फुट स्क्वायर फुट होगा ये इतना। अब इसका प्लॉट को देख लीजिए, इसका प्लॉट देख लीजिए, ये देखिए इसका प्लॉट इतना बड़ा होगा, ये रहा 30 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई का होगा, ये 25 धूर का प्लॉट है, ये रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, धन्यवाद।